दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी एपीओ के लिए हिस्ट्री के और पॉलिटी के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? यानी जो प्रेसिडेंट हैं जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इसको भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसको जो शक्ति प्रेरित है, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 1935, उससे रिलेटेड है ऑर्डिनेंस। आपको पता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्य में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय कब बनाई गई? तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 1919 का जो एक्ट था उसके तहत पहली बार भारत में जो 2 सदनीय व्यवस्था चालू हुई थी। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए यानी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, 1935 के अधिनियम में संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। देखिए, अवशेष शक्तियां होती हैं आपकी रेसिड्यूरी पावर है आपके, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ली गई, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से रेसिड्यूरी पावर ली गई हैं। तो जो 1935 के अधिनियम में संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। यानी अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपको पता है कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, अगर उन 3 लिस्ट में जो भी चीज़ नहीं बताई गई है तो उस पर कौन कानून बनाएगा? तो भारत में केंद्र सरकार उन्हें कानून बनाती है, उन्हें ही कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। तो 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को यह शक्तियाँ दी गई थी। नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल सही है, इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद की, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। बिल्कुल राइट आंसर है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो ये पार्टी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं, और जो बाइडन जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। इसके अलावा आपके जो बोरिस जॉनसन है ये किस पार्टी से संबंधित हैं, या आपके जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट किस पार्टी से संबंधित हैं, या अभी जो नए प्रधानमंत्री बने ऑस्ट्रेलिया के, वो किस पार्टी से संबंधित हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखना पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑल आर करेक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, और 1935 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल के लिए रेसिड्यूरी पावर दी गई थी, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और स्वतंत्रता के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, प्रत्येक और क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट में चुनना है। तो पहला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये बिल्कुल राइट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। देखिए, आप यूपी एपीओ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इनसे रिलेटेड ऑल क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है? इनसे क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम है, और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। दूसरा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई, ये भी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया, ये भी बिल्कुल राइट है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया। और एक और जो ऑप्शन है, स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो पहले कानून मंत्री भारत के कौन थे स्वतंत्रता के पश्चात, यह क्वेश्चन आता है, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट, इसमें सही कथन इसमें भी चुनना है। तो पहला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल राइट है। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दूसरा है, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है कि अभी जो 2019 लोकसभा चुनाव हुआ था इसमें कितनी महिला सांसद हैं, या यूपी में जो अभी जो चुनाव हुआ है तो इसमें कितनी महिला विधायक हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की, बिल्कुल राइट है। भारत में जो समवर्ती सूची है, जैसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, इसकी संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ से रिलेटेड है, और आपके जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है।
और नेक्स्ट है ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। बिल्कुल राइट है, ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। देखिए ऑस्टिन है आपके KCBR हैं और आपके डाइसी हैं, इनसे रिलेटेड आप थोड़े बहुत इनने क्या कहा है, इनसे रिलेटेड प्रोविजन थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई और ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। जब भारत मतलब आज़ाद हुआ था उसके बाद ये राज्य डायरेक्ट नहीं आए थे, मतलब उसमें बाद में इनका गठन हुआ, जैसे सिक्किम है, अरुणाचल है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। पहले सिक्किम का गठन हुआ आपका 1975 के आसपास, अरुणाचल 1987, छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तराखंड ये 2000 में इनका जो गठन हुआ था। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से आपका और उत्तराखंड आपके यूपी से। तो जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और झारखंड आपका ये झारखंड आपका है शायद 15 नवंबर के आसपास। तो आप देख लीजिए इसको और झारखंड, तो पहले इनमें बताना है कौन सा राज्य का गठन हुआ, तो पहले सिक्किम का, फिर अरुणाचल का, फिर छत्तीसगढ़ का और फिर झारखंड का। इस टाइप से क्वेश्चन आपको UPAPU में जमाने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। और क्वेश्चन यह आता है कि कौन सा राज्य पहले बना, तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में सर्वप्रथम गठित हुआ और 1953 में आंध्र प्रदेश यह गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया। जो प्रीएम्बल है इसे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किस केस में स्वीकार किया, तो पहला ऑप्शन है बेरुवारी केस, जो काफ़ी फेमस है, बेरुवारी केस आप पढ़ लीजिए, एक है गोपालन केस, ये भी फेमस है, पृथ्वी वर्ष केस, ये भी फेमस है। एक क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी वर्ष कब समाप्त किए गए, तो आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट केस बनंद भारती मामला, तो बिल्कुल राइट है, केस बनंद भारती अभी चर्चा में थे, तो केस बनंद भारती केसेस में कितने जजेस की बेंच थी यह क्वेश्चन आता है, और कितने जजेस ने असेंट में डिसीजन दिया और डिसेंट में, सब थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग स्वीकार किया केशवानंद भारती मामले में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेट आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 है, इसे उनने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जो कथन रहते हैं इस टाइप के वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एक ऐसी रिट जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है, तो यह रिट है मैंडमस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं परमादेश। तो एक ऐसी रिट है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह अपना कार्य करे, तो यह परमादेश रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया 1976 में, 1976 में। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो भी आपका 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था। DPSP पता है पार्ट 4 में आयरलैंड से रिलेटेड है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना आपसे है, तो यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था, तो KT शाह ने यह कहा था। क्या DPSP इन्फोर्सिबल हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 है, ये DPSP का पार्ट है, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देखिए DPSP से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन आने लगे हैं, जमाने दे देंगे कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 44, जैसे आर्टिकल 43 और आर्टिकल 39, तो इस टाइप से दे देंगे किस आर्टिकल में क्या है। DPSP के कम से कम आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि 2022 में भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव हैं, तो ठीक है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, तो अगर भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी विवाद है जो चुनाव से रिलेटेड, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार लगी है, तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में अभी तक कभी भी नहीं लगी है, आर्टिकल 360 आप पढ़ लीजिए इससे रिलेटेड।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति की सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति थे वो सर्वसम्मति से चुने गए अभी तक, तो एकमात्र उदाहरण थे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे। और आपको जो आपके जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लीजिए राष्ट्रपति से रिलेटेड, और किन राष्ट्रपति के काल में कार्यकाल में क्या हुआ मुख्यतः आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और B2 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रेसिडेंट से, B2 पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो भारत जो अनुच्छेद 143 है यह करता है, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था 1952 में। संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, तो देखिए लोकसभा में 525 सीट से 545 कब कर दी गई, और आपकी जो वोटिंग की एज है वो 18 से 21 कब कर दी गई, इस टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 31वें संशोधन से, संशोधन वाले भी क्वेश्चन आप पढ़ दीजिए, 42वां संशोधन है, 31वां संशोधन है, 69वां संशोधन है, 44वां संशोधन है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद या विधानसभाओं के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, यानी संसद का जो सांसद है वो सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित कितने दिन तक रहेगा, तो उसकी जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो देखिए 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य संसद को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाएगी, तो कितने दिन है 60 दिन, याद रखिए। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता और अशोक राय मेहता, देखिए इनसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति है आपकी त्रिस्तरीय और अशोक मेहता दो स्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की इसने सिफारिश की थी। क्वेश्चन आ जाएगा किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की, या किसने दो स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, या किसने संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, तो ये समिति है पंचायत से रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो एल एम सिंघवी कमेटी द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की गई। अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता और एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, समिति वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आने की संभावना आपके APO एग्जाम में। तो अशोक राय मेहता, बलवंत राय मेहता और एल एम सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है, चार ऑप्शन दे देंगे, एक दे देंगे, इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। देखिए आप जो समिति हैं वो इकोनॉमी है आपके लिए, तो उसमें भी इकोनॉमी से भी रिलेटेड आपसे समिति पूछी जा सकती हैं, तो समिति यानी कमेटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम किस संविधान के अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, तो यह अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया मनरेगा। नेक्स्ट है संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें व 74वें संविधान संशोधन हुए थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1992 में हुए थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव थे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि भारत में जब इकोनॉमिक जो वो लिबरल LPG रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कब हुए थे, और थोड़ा बहुत आपको उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय निर्धारित किए गए हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, अभी हैं 12, अब जो 9 10 11 और 12 इनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 12वीं कब जोड़ी गई, कितने इसमें सब्जेक्ट हैं 11वीं और 12वीं में, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण अभी काफ़ी न्यूज़ में है और परिवार नियोजन भी, और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है और जनगणना वगैरह, इनसे क्वेश्चन आने की अब संभावना ज़्यादा है APO में। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है आपकी समवर्ती सूची में, यानी कनकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया, देखिए शिक्षा पहले था राज्य सूची का विषय, बाद में उसे कर दिया गया संवर्ती सूची में, तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया था। आपसे क्वेश्चन आता आ सकता है न्यू जो नई
शिक्षा नीति आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, इसके जो कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जैसे कि कस्तूरी रंगन, और पहला कौन सा राज्य था जिसने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारी आयोग का संबंध है आपके केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट है वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। देखिए क्वेश्चन आते हैं आपसे वित्त आयोग से, आपके निर्वाचन आयोग से, आपके लोक सेवा आयोग से, इनसे क्वेश्चन आते हैं किस आर्टिकल में कौन है, और इनकी जो वित्त आयोग की नियुक्ति वगैरह, इनके जो भी है, जो इनके हेड कौन है, जैसे UPSC के हेड कौन है आपके, और वित्त आयोग के जो चेयरमैन वगैरह, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनसे अच्छे प्रिपेयर रहिए। तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में, UPSC 315 में, अटॉर्नी जनरल 76 में, एडवोकेट जनरल 165 में, तो इनके क्या काम है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग 280 में है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन एनके सिंह थे। UPSC 315 में है आर्टिकल, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल जो 338A है इसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। देखिए अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है, तो ये आर्टिकल 338A में है, सॉरी 338 में है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A में है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास 338B में है। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले 21 वर्ष थी आयु, अभी 18 वर्ष है, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 के आसपास, तो उस समय जो वोटिंग एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है थोड़ा आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है करेक्ट, इसमें करेक्ट बताना है कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई, तो सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी आपकी 1967 में 21वीं संविधान संशोधन से। क्वेश्चन आपसे ऐसा आएगा सिंधी को जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो सिंधी को जोड़ा गया 1967 में, नेपाली मणिपुरी और कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया 1992 में, और संथाली को जोड़ा गया 2003 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या आपको भाषा दे देंगे, पूछेंगे 8वीं अनुसूची में वैसे कौन सी भाषा नहीं है, तो तीन भाषा उसमें रहेंगी एक नहीं रहेगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र से, दिल्ली अभी काफ़ी न्यूज में है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपके नए संसद भवन निर्माण से संबंधित है, और दिल्ली से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जब आप पेपर देने जाइए तो आप इसको थोड़ा पढ़कर जाइए कि कितने संविधान संशोधन हुए हैं उस समय, और जो नए संविधान संशोधन होते हैं उस क्वेश्चन आते हैं, जैसे 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 105वां किससे रिलेटेड है, और जो महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं उनसे आते हैं, पूरे नहीं आपको पढ़ना है, जैसे 103EWS से रिलेटेड है आपका, 101GST से रिलेटेड है आपका, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आपका, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44 है, और ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको पढ़ना है, तो एक वीडियो में अपन अमेंडमेंट पढ़ लेंगे APU के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान की 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, यह क्वेश्चन भी आता है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंध है संविधान की 10वीं अनुसूची का। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची संबंधित है, सो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, फोर्थ शेड्यूल रिलेटेड है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, राज्यसभा में जो सीट का डिवाइडेशन है वो फोर्थ शेड्यूल में है, इसमें बताया गया है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए मेजर स्टेट जो टॉप 5 हैं कि उनमें कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, जैसे यूपी है आपका, यूपी में कितनी सीट्स हैं राज्यसभा की, आंध्र प्रदेश है, MP है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, इनमें आपको पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट है चरक किसके दरबार में थे, यह क्वेश्चन हिस्ट्री से है, चरक जो दरबार में थे कनिष्क के, चरक कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सो हु इज नाउन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सो लॉर्ड रपन इज द राइट आंसर, लॉर्ड रपन इज आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड टू इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल राइट है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है दादाभाई नेहरू जी रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बिल्कुल राइट है, दादाभाई नेहरू जी, इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्होंने
पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सेशन था उसमें अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड, बिल्कुल सही है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और हिंद स्वराज वो कैनी बेसेंट की बिल्कुल गलत है, हिंद स्वराज आपके महात्मा गांधी से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में बताया था महात्मा गांधी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वो एनी बेसेंट पहली महिला थी जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था। पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और पहली महिला तो एनी बेसेंट। 1917 का एक अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इनकरेक्ट लास्ट है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड हैं। इन्हें इनकी जन्मदिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, आपका 23 जनवरी, आपको पता है 125वीं जयंती मनाई गई थी उसी समय से। अब हर वर्ष इनकी जो जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। दादा भाई नेहरू जी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड इनकी पुस्तक है। और हिंद स्वराज आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑदर ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम कार्ड गोल्डन थ्री सोल्ड। तो गोल्डन थ्री सोल्ड से किसका संबंध है, ये है सरोजिनी नायडू का, इनकी पोएम का कलेक्शन। गोल्डन थ्री सोल्ड जो पोएम है इनका कलेक्शन किसने लिखा, तो ये लिखा है सरोजिनी नायडू ने। चूज द करेक्ट, इसमें करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी, रिलेटेड टू देवी चौधरानी। देवी चौधरानी से रिलेटेड है बंकिम चंद्र चटर्जी। और नील दर्पण से रिलेटेड हैं दीनबंधु मित्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है नील दर्पण से किसका संबंध है, तो दीनबंधु मित्र का। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड है। और सुबह ए आज़ादी है आपकी फैज अहमद फैज से रिलेटेड। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चटर्जी, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद, इनका अंतिम उपन्यास आपको पता ही है, और प्रेमचंद से रिलेटेड जो भी हैं आप पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, और फैज अहमद फैज सुबह ए आज़ादी। नेक्स्ट है हु रिपील्ड द बर्नकुलर प्रेस एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्नकुलर प्रेस एक्ट को किसने रिपील्ड किया, तो लॉर्ड रिपन ने। देखिए जो बर्नकुलर प्रेस एक्ट है लाया कौन था, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन था यह लाया था, लिटन लाया और रिपन ने इसको क्या किया, इसको रिपील कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कब यह आया था। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो विलियम जॉन्स ने की। विलियम जॉन्स हैं, जेम्स फ्रेंसिप हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है चूज द अनकरेक्ट, इसमें अनकरेक्ट बताना है। तो दोस्तों फर्स्ट है सोशलिस्ट पार्टी आपके राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, और गदर पार्टी जयप्रकाश नारायण। तो इनकरेक्ट बताना है, गदर पार्टी जयप्रकाश नारायण गलत है, गदर पार्टी है आपकी लाला हरदयाल से रिलेटेड। अब देख लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी है राम मनोहर लोहिया से रिलेटेड, और कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिलेटेड टू ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कौन ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन। सो हु वाज ही, सो ही इज जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पोस्टेज स्टाम्प इन इंडिया। कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैं पोस्टेज स्टाम्प को इंट्रोड्यूस किया, तो ये था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने पोस्टेज स्टाम्प को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ऑदर ऑफ द बुक मदर इंडिया वाच, मदर इंडिया बुक के ऑदर कौन थे, तो ये थे कैथरीन मेयू। कैथरीन मेयू थे ये मदर इंडिया बुक के ऑदर थे। नेक्स्ट है हु अपोजेस द एबोलिशन ऑफ सती। सती का प्रथा का जो अबोलिशन ऑफ सती था इसका विरोध किसने किया था, तो राजा राधाकांत देव ने इसका विरोध किया था। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन। सो बुड्स डिस्पैच, बुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया बुक रिलेटेड टू, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है लाला लाजपत राय ने, और साइमन कमीशन के समय ये काफ़ी चर्चा में थी। तो अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है साइमन गोबैक इनका नारा था, क्वेश्चन आता है साइमन गोबैक किसका नारा था, तो लाला लाजपत राय का था, लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय आते हैं। महात्मा गांधी रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो देखिए पहला है थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन पीटर मेरिट्सबर्ग। देखिए जो पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन था वहाँ से, वहाँ ट्रेन से जो महात्मा गांधी को
थ्रोन आउट कर दिया था, तो ये बिल्कुल राइट है। हिंद स्वराज रिलेटेड है महात्मा गांधी से, राइट है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी प्रेजेंट, राइट है। लेकिन होम रूल मूवमेंट ये गलत है, होम रूल मूवमेंट आपके एनी बेसेंट और आपके जो बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड हैं, तो आपके जो थर्ड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे फाउंडेड इन विच ईयर, जो कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का फाउंड हुई तो 1857 में। नेक्स्ट है विद द ऑदर ऑफ नील दर्पण, नील दर्पण जो की पुस्तक के जो ऑदर कौन थे, तो ये थे आपके दीनबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के ऑदर थे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश्ड ईयर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, अभी देखा था चित्तरंजन दास से यह रिलेटेड है और मोतीलाल नेहरू से, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की, एक ही महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, पूना पैक्ट के जो साइंड हुए थे किस किस के बीच, तो कब हुआ ये क्वेश्चन आता है, और किन किन के बीच, तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी से रिलेटेड बुक और भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड बुक आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन रिलेटेड टू, इंडियन ओपिनियन यह किससे रिलेटेड है, तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। अफ्रीका से यह पब्लिश हुआ था, क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल रहे, भारत कब वापस आए, कौन से सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, तो 21 साल रहे, 1915 में वापस आए। बेलगांव अधिवेशन इकलौते इनने कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। हु आइडेंटिफाइड नेम सेंड्रोकोटस एस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो सेंड्रोकोटस था यह किसने आइडेंटिफाई सबसे पहले किया था, ये किया था विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने कहा था कि जो सेंड्रोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य वंश के जो रिलेटेड हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश से रिलेटेड थे। चंद्रगुप्त मौर्य है आपके बिंदुसार है, अशोक है। नेक्स्ट है हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि हैं, तो ये किसने इसको डेसिफर्ड किया, ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल, खजुराहो के टेम्पल हैं ये विश्व विरासत स्थल में हैं, 1986 में इन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत दर्जा दिया था, चंदेल वंश से रिलेटेड हैं खजुराहो के टेम्पल। अबुल फजल वाज किल्ड बाय, अबुल फजल की हत्या किसने की, तो ये की थी बीर सिंह देव बुंदेला ने। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को दोस्तों पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट है सालवाई की संधि कब हुई, सालवाई की संधि हुई दोस्तों 1782 में, तो सालवाई की संधि कब हुई 1782 में हुई। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।